रहे हैं, कल भी ऐसे ही अच्छे अच्छे टीम या इससे भी और बेहतर टीमें मैदान के बीचों बीच खेलेंगी। जैसे कि कल फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच खेला जाएगा किंगफिशर एफसी पोर्ट का और अरहन स्पोर्टिंग बालीगुमा के बीच में। अमन के द्वारा ये पहला किक, आज अमन के किक सही नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि आज अमन ने इसके पहले वाले मैच में भी जो पेनाल्टी किक किया था उसे गोल नहीं कर पाए थे, इस बार भी वही गलती। गोलकीपर का काफी अच्छा बचाव और फिलहाल पहले किक को गोल में तब्दील होने से रोका है के मार्ट के गोलकीपर ने, अच्छी गोलकीपिंग। के मार्ट करीमनगर मुड़िया के गोलकीपर के द्वारा सेकंड किक की तैयारी। जर्सी नंबर 6 फाफोनो, वाओ क्या ही गति के साथ किक लगाए और इनका सेलिब्रेशन का अंदाज ही कुछ अलग है। कोई मौका नहीं वहां पर डीकेएमसी बालीडी के गोलकीपर के पास, बासित रोकने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि गति इतनी ज्यादा थी कि उनके पास रिएक्शन टाइम काफी कम था। फिलहाल अगली किक की तैयारी चलती हुई। जी हां, कल का थर्ड मैच खेलेंगे साहिल स्पोर्टिंग चंद्रपुर और एससी ब्लैक टेल को, सुन लिए ना, थर्ड मैच एससी ब्लैक टेल को और साहिल स्पोर्टिंग चंद्रपुर की टीम खेलेंगे। कोशिश काफी सुंदर थी, गेंद हाथ से छिटक गई, बार से लगी, उसके बाद गोल पोस्ट के अंदर गई। एक समय तो कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें मानो थम सी गई हो डीकेएमसी बालीडी के सपोर्टरों की, लेकिन अच्छी की और इस किक को गोल में तब्दील करने का सफल अंदाज पेश किया गया है। फिलहाल ये सेकंड किक की तैयारी चलती हुई के मार्ट करीमनगर की टीम की तरफ से। जर्सी नंबर 10 मिस्टर मैथ्यू, एक फॉरेनर प्लेयर, एक नाइजीरियन खिलाड़ी, निश्चित तौर पर एक अच्छा खेल का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था और फिलहाल सेकंड किक करने के लिए तैयार होते हुए। चलिए, इस बार किस्मत दगा दे गई मैथ्यू की, खुशकिस्मत रहे डीकेएमसी बालीडी और फिलहाल मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। दोनों टीमों ने अभी तक 2-2 किक किए हैं और इन 2 किकों में से सिर्फ एक को ही गोल में तब्दील कर पाया है, चाहे बात करें हम डीकेएमसी बालीडी की या फिर बात करें हम के मार्ट करीमनगर की। थर्ड किक की तैयारी चलती हुई। मिस्टर फिरदौस, हवा हवाई किक, गति पर ज्यादा भरोसा दिखाए, प्लेसमेंट खराब, आर्य की तरफ से सुनील सोरेन, बिल्कुल एक बेहतरीन किक लेने की क्षमता है इनके पास। और बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर, पूरी तरह प्रबंध लगाने के बावजूद सही कांटेक्ट नहीं गेंद के साथ। प्रकाश, सुनील का जो रिएक्शन था सुकंदर, गोल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं दिखे थे। जैसी नंबर 9 इनोवेशन माकू, एक तो दुर्दांत सेरा खिलवाड़ी, वाओ
हम लोग उधार नहीं रखते हैं सौगंदर, उधार का कारोबार नहीं होता यहाँ। आपने जब हवा हवाई की किया तो मैं भी क्यों ना एक बार कोलाबिरा के गोल पोस्ट के नेट का परीक्षा ले लो कि नई है कि पुरानी है। एकदम एक बार जाल को फाड़ने का प्रयास किया जाए। चलिए अभी तक के टू एंड डाई की स्थिति में पहुंच गई है दोनों टीम की खिलाड़ी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, पुनः बात पूर्वानुमान लगाने के बावजूद सही टाइमिंग नहीं, बॉडी को गिरा भी रहे लेकिन थोड़ा सा लेट से गिरा रहे हैं। छलांग तो लगा रहा है लेकिन चीता की छलांग और शेर के छलांग में प्रकाश से ही अंतर होता है। डिटोल अच्छे जो को रोई दिए वो वाले बेसि हमारा को दीते नहीं पर वो था। वाओ, और बेसे ले बेसे अक्टर खुड़ा बोल चाहे हमारे गाड़ी टाइम सदर अस्पताल टको लेगा कोरा बोल यदि विशेष परिस्थिति हो नहीं। सौगंदर की क्या था, बहुत सारे दर्शक सोच रहे हैं क्या स्टाइल है भाई, ये नाइजीरियन स्टाइल है, देशों में ऐसे ही होता है नाइजीरियन स्टाइल है प्रकाश। और एक बात मैं कहूंगा, ये चमत्कारिक शॉट था, अब जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है क्योंकि चमत्कार को हम लोग नमस्कार करते हैं। अजीबो गरीब अंदाज वहां पर पेश किया था। तो कुछ तो दर्शक बोल रहे हैं कि आपने इस साल नाइजीरियन को अलाउड किया तो कुछ हमें नए देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों रेरा के आने तो कोई विराट खेलता हो चे अनेक प्रेशर हो चे खेलते हर समय। हालांकि अभी ओटे अंदर मुख्य संयोजक अख्तार को धन्यवाद दीब, इनारी सोच छिल जे ई बचर हमरा नाइजेरियन अलाउड करबो, आशे बचर अपनदर राय लिया होबे जदि एरकम हमरा भालो भावे थाकी तो निश्चित अच्छे जे एरकम फुटबॉल टूर्नामेंट होबे। वही बात, अब देखते हैं संदीप गोलकीपर की भार संभाल रहे हैं। अब देखते हैं चेतन, और एकदम सीधी की थोड़ा सा निराशा। अब देखने वाली बात होगी गोलकीपर बासीर जिसके लिए जाना जाता बासित को, वो चीज आज नजर नहीं आ रही है बासित की। देखते हैं चंद्रू, और परिचुक। चलिए दर्शक बंधु, हम लोग मैदान के अंदर नहीं जाएंगे,